गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अपने चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। इसमें कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरू का महत्व। तीरू का मतलब जिसमें हम एरो लगाते हैं, जैसे अनुनाद के लिए दो मुंह वाले तीर को प्रयोग में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए हाफ कर्व वाले तीर को यूज में लेते हैं, उस टाइप में। फिर अपने समांस और विषमांस बंध विदलन। बंध विदलन मतलब विखंडन, कि बंध जो बंध होता है सहसंयोजक बंध, वो एक जगह से टूट के दूसरी जगह पे कैसे बनता है, क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट होगा अपना अभिकर्मकों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट। अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? अभिकर्मक अपने दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेह अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक। इसके बाद में अपना होगा जो चौथा टॉपिक, वो होगा कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें हम चार रासायनिक अभिक्रियाओं के या कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिनमें पहला होगा अपना योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा होगा विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और चौथा होगा पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक जो है क्रियाशील मध्यवर्ती। इस क्रियाशील मध्यवर्ती में हम टोटल 6 टॉपिक पढ़ेंगे, जो होंगे कार्ब केटाइन, कार्ब रिनाइन, मुक्त मूलक, कार्बीन, बेंजाइन या एराइन और नाइट्रीन। इनका हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन में आज इसका पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं या पहला टॉपिक करते हैं। यह है कि अपना पहला है कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरों का महत्व या एरो का महत्व। तो इसको समझते हैं। तीरों का महत्व समझते हैं। तो इसमें पहला है कि दो कार्बन परमाणु के मध्य जब दो इलेक्ट्रॉन युक्त एक एकल बंध हो, या एकल बंध को एक योजक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाया जाता है। जब अपने पास दो कार्बन है, इनके मध्य क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दर्शा सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड द्वारा या कार्बन बॉन्ड कार्बन द्वारा दर्शाते हैं, इसी प्रकार दर्शाते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसी प्रकार एक द्विबंध को दर्शाने हेतु दो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड का ही प्रयोग करते हैं। द्विबंध को दर्शाना है डबल बॉन्ड को, तो दो योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाले चिन्ह, दो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है, और एक त्रिबंध को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड का या तीन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाने के लिए। तो कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड को दर्शाने के लिए तीन योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद है एक लोन पेयर, एक लोन पेयर या दो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन को एक पूरे वक्र या घुमावदार तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि अपने पास दो तत्व है या परमाणु है, मान लो कि ए और बी है, इनमें एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड है तो इसमें क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन तो होंगी, तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम, जब ये अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे किधर चले जाएं, बी के ऊपर, तो ये कैसे होगा फिर, तो इसमें ए होगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा पहले परमाणु के पास, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो अपने पास दूसरा होगा एलिमेंट बी, उसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गए, अपने बी के पास आ जाते हैं, तो बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, होने पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये तत्वों का ध्रुवीकरण को भी दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसी प्रकार यदि ए व बी के मध्य पाई इलेक्ट्रॉन का अभिगमन दर्शाना हो तो उसे किस प्रकार दर्शाएंगे। जैसे कि किसी के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसमें दो तत्व है अपने पास या दो परमाणु है, उनके मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, एक तो होगा सिग्मा और एक होगा पाई। अब अपन को पाई इलेक्ट्रॉनों का गमन दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, जो अपने पाई इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन है उनका अभिगमन बी की तरफ हो जाएगा, बी परमाणु की तरफ, या बी परमाणु की तरफ चले जाएंगे, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड तो इनपे बचेगा ही, लेकिन क्या हो रहा है, जो अपने पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं तो इस पे एफ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए, और जबकि जो बी परमाणु है अपने पास उसके पास क्या आ जाते हैं, परमाणु ज्यादा हो जाते हैं, तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास दो अलग परमाणु या दो इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं इसलिए। अब देखते हैं अपन अपना चौथा, इसमें क्या है कि इसके विपरीत प्रत्येक परमाणु यानी ए और बी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसे हाथ तीर द्वारा या आधे सिर वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं। आधे सिर वाले तीर से मतलब है जो अपन ऐसे प्रदर्शित कर रहे थे उसके ऐसे आधा ही सिरा लगाना है, ठीक है, तो आधे सिर वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं, तब किसी पर भी या किसी भी परमाणु पर आवेश नहीं आता है। जैसे कि अपने पास है ए बॉन्ड बी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाता है ए के पास, तो इसको आधे सिर से प्रदर्शित कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास चला जाता है, इसको भी आधे सिरे द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, किसी दोनों पर में से किसी पर भी क्या होगा, प्लस चार्ज नहीं आएगा या प्लस या माइनस चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, अवेश नहीं आएगा, एवं मुक्त मूलक का निर्माण होगा, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो दोनों पे मुक्त मूलक का निर्माण होगा, और मुक्त मूलक हम जानते हैं उदासीन होता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, ये क्या है, दो सिरों वाले तीर द्वारा अनुनाद को हम दर्शाते हैं। अनुनाद की क्रिया पढ़ के आए हैं, उसमें क्या है कि दो सिरों वाला तीर, मतलब जो दोनों अनुनादी संरचनाओं के बीच में बनाते हैं उसको इस एरो से दो सिर वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं, तो अनुनाद को दर्शाने के लिए दो सिरों वाले तीर का यूज करते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, अब CH2 पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है या न्यूनता है। अब क्या होगा कि जो अपने यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड वाले या पाई बॉन्ड के, वो किधर आ जाएंगे, इधर आ के डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और इसको हम अनुनाद द्वारा दर्शाएंगे दो सिर वाले तीर द्वारा, तो ये अब कैसे हो जाएगा, CH2 तो रहेगा ही, अब एक बॉन्ड चले गए तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो इसके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो धनावेश है या पॉजिटिव चार्ज है जो इस कार्बन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है CH
बॉन्ड CH2 था, और अब यहाँ पे ये बॉन्ड इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के मध्य आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा। ये अपना रासायनिक अभिक्रियाओं का इंट्रोडक्शन हो गया, या रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रस्तावना हो गई। तो हम कल एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, कल होगा अपना न्यू टॉपिक समांश और विषमांश बंध विदलन। थैंक यू।